तो वो जो अंग है जहां से उनकी भावनाएं जागृत होती हैं वहां पे पहुंच जाते हैं 6 7 8 साल की बच्ची को ले जाके, जिसे ये सब बातों की जानकारी नहीं। डॉक्टर ये चीजें करते नहीं ऑफिशियली, ऑफिशियली अलाउड नहीं, क्योंकि ये अफेक्ट करता है। तो फिर जो मिडवाइव्स जी कहते हैं हम, दाइयां होती हैं हमारी, उनको, उनकी पुरानी दाइयां होती हैं, उन लोगों के पास ले जाते हैं बच्ची को, कुछ भी कह के ले जाते हैं। तो मैंने महिलाओं से ये सवाल किया, मैंने एक बार, मुझे तो ये देखिए, मैं बहुत सी महिलाओं को तो मैं ऑफकोर्स जानता ही था, माता जी को घर में, मेरे कानों पे बात पड़ी ही नहीं, मुझे बिल्कुल ही इसकी जानकारी नहीं थी, ये जानकारी मुझे बाहर से लगी। फिर मैंने जब अपने आसपास देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इस तरह का कुछ चल रहा है और मेरे कान पे कोई बात नहीं पड़ रही है। जबकि होता है कि आप अपने मदर से, बहुत सारी अपने कजिन से क्लोज होते हैं जो आपको ये बात बता सकते हैं और एटलीस्ट क्रिटिसिज्म जी तो कर सकते हैं कभी कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यस कुछ पढ़े लिखे लोगों को मैंने डिस्कशन करते देखा कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। मैं सत्य में आ गया, मैंने कहा ये बात आप डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों ने तो ये चीजें रोकनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, और जो करा रहा है उसे भी नहीं कहना चाहिए। फिर मैं कोई ऐसे व्यक्ति से मिला जिन्होंने कराया है, एक दो लोगों का। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप ये क्या कर रही, देखिए ये परेशानी। वो कह रहे नहीं, चलते आ रहा है हमेशा से, तो ये तो चलता है कुछ नहीं, बस ऐसा ही, बस थोड़ा सा, जैसा निकाह करते समय थोड़ा सा नाम बदल देते हैं, है ना, आप निकाह कर लीजिए, कुछ नहीं, बस फॉर्मेलिटी जी है वो। पर उसका उसका मतलब क्या होता है निकाह करने का, कि सामने जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑफिशियली ना, आपको नाम बदल जी जी देंगे। जी सिमिलरली ये एफजीएम, वो कहने लगे कि नहीं छोटी सी बात है। तो मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, देखिए इसके प्रभाव कितने, आपके जीवन में आपका दिमाग बदल जाता है, व्यक्ति चेंज हो जाता है, बहुत सी और मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे को बाद में। जी हाँ, तो वो बात ये समझ नहीं पाई। तो ये जो पढ़े लिखे हैं इतने सारे मॉडरेट, जिसलिए मैं सो कॉल्ड मॉडरेट लगाता हूँ, कि मैं भी यस बहुत कुछ वर्ष ये बात में घूमता रहा मॉडरेट फंडामेंटलिस्ट के चक्कर में, कि नहीं ऐसा है वैसा है, गलत हो सकता जी है, हम गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर ये एफजीएम के इशू की वजह से ये बात मुझे बहुत साफ हो गई, और किस तरह से उसका विरोध ना होना पढ़े लिखे समाज में, और जी जो कर रहा है उसके बारे में बोल रहा है उसका भी विरोध करें आप, कि आप हमारे दखलंदाजी कर रहे हैं हमारे मजहब में, आप कौन होते हैं बोलने वाले, आप उनसे ज्यादा जानते हैं क्या मुल्लाओं से, आप कौन होते हैं, आप कुरान से ज्यादा जानते हैं क्या। तो जब उनका मोह मैंने देखा तो मेरा मोह जो इसकी तरफ था, लोगों की तरफ था, क्योंकि लोगों की वजह से मैं जुड़ा था उसके अंदर, तो जी फिर वो मेरा पूरा जो मोह है, ये भी बहुत एक मेन कारण रहा, महिलाओं का ये जो पूरा जिस तरह से बर्ताव उनकी तरफ है वो कारण। औरतों को नसीहत करूंगा, ये है सिर्फ एक किस्म की सर्जरी आपके लिए जायज़ है जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त दी। आप मैक्सिमम अगर चाहती है तो सिर्फ खतना करवा सकते हैं। अब बहुत से लोग, हाँ ये क्या है खतना, ठीक। तो बहरहाल औरत की शर्मगाह के अगले हिस्से का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो मर्द के जैसा फोरस्किन होती है। मर्द की शर्मगाह के आगे एक जिल्द होती है जो पैदा होता है, तो जिल्द सामने लटकी हुई होती है जिसको खतना के जरिए काटा जाता है। उसी तरह औरतों की शर्मगाह के अंदर दो हिस्से होते हैं, दो हिस्सों के अंदर फिर दो हिस्से होते हैं, और एक जिल्द होती है जो दिल बहुत बाहर तक आ सकती है जैसा मर्दों की आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवाल हुआ अल्लाह के रसूल क्या उस जिल्द को हम काटे, उस फोरस्किन को, तो आपने कहा हाँ मगर ज़्यादा नहीं वरना तुम लज्जत खो बैठोगे। उसको कट किया जा सकता है लेकिन विद इन अ सर्टन लिमिट, इतना नहीं कि उससे लज्जत खो दे आप। लज्जत समझ आप, इसलिए कि वो हिस्सा लज्जत में काम आता है, वो हिस्सा सेक्सुअल लाइफ को एनहांस करता है, वो हिस्सा लज्जत देता है मर्द को भी और औरत को भी। तो कहा कर सकती हो लेकिन अप टू सर्टन लेवल, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए कि वो लज्जत फिर तुम्हारी मार खा सकती। तो औरत के लिए खतना कराने का जो शरीयत में इजाज़त है उतना सिर्फ कर सकती है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होता है आपको बता देता हूँ। उसमें होता ये कि औरत की शर्मगाह के जो दो हिस्से होते हैं दोनों को काट दिया जाता है, काट कर उनको चिपकाया जाता है, पकड़ कर जैसी नश्तर मारते हैं, सब मर बच्चों को करते हैं ना खतना, नश्तर मारते हैं अंदर का हिस्सा नहीं बाहर का, और उसको चिपका दिया जाता है और उसको सी दिया जाता है। सीने के बाद सिर्फ एक सुराख नीचे छोड़ा जाता है जिससे पेशाब और हैज का खून निकले। इसकी वजह क्या बताई जाती है कि जब उसका निकाह होगा निकाह से पहले उसको वापस खोला जाता है और काटा जाता है ताकि वो अपने शौहर के लिए पा करे। शरीयत सुन्नत सुन्नत करते हैं, अरे भैया सुन्नत है तो पैदाइशी कटमुल्ले पैदा क्यों ना हुए तुम, हैं? यहाँ आके तो तुम सरकमसाइज कराते हो, बच्चा पैदा होने के बाद तो कटवाते हो, बेवकूफ आदमी। अगर तुम इतने ही ऊपर से आए हो
तो फिर नीचे क्यों कटवाते हो, ऊपर से कटाओ। नहीं, इनका जीजा जैसा बनाना, बिल्कुल सिंपल। तूने पते ऐसा खाना जीजा का? नहीं, जीजा जैसा बनेगा, खालू जैसा बनेगा। नहीं, जीजा जैसा, नहीं, खालू जीजा जैसा बनाना, तो इसके छोड़ो। नहीं, इनका जीजा जैसा बनेगा, खालू जैसा बनाना। नहीं, जीजा जैसा, खालू जैसा बनेगा। नहीं, जीजा जैसा बनेगा, खालू जैसा बनेगा। नहीं, जीजा जैसा, खालू जैसा बोला ना, जीजा जैसा, खालू जैसा, खालू जैसा, खालू। देखिए भाई, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब मुसलमान अधिकतर उल्टे ही काम करते हैं। मुसलमान आई थिंक ये जो कवर होता है, ये कवर भी स्क्रीन पे यूं चढ़ाते होंगे और तब जाके उसको रखते होंगे और फिर कहते होंगे कि लो अब ये ठीक है, अब ये इसके अंदर से दिख रही है ना, तो यहाँ ठीक है क्योंकि अब इसको कोई टच नहीं कर सकता। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो उल्टी खोपड़ी है, उनका जो उल्टा दिमाग है, वो इस तरीके से ही काम करता है। और बहुत प्रकार के होते हैं ये। अगर अफ्रीका में आप देखें, अफ्रीकन कंट्रीज ने, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज ने भी इसे बैन कर दिया है। हमारे इंडिया में हमारा केस चला था कुछ वर्ष पहले, तो वो पूरा केस दब गया है, अभी भी उसको हटा नहीं रहे, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या आया है। वेस्टर्न कंट्रीज में कितने डॉक्टर्स पकड़ाए गए हैं, ये जो स्पेशली कम्युनिटी से आते हैं जो प्राइवेटली ये करते थे, क्योंकि महिलाओं का, अगर आप वो जो मेल्स में ये हार्मफुल तो नहीं होता है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं बेनिफिशियल भी होता है, पर आप जब 7 महीने 7 दिन के बच्चे के साथ कर ले, पहले वीक के बच्चे के साथ, तो उसे इस प्रकार का ट्रॉमा होता है कि वो महिलाओं का जो ये जो जेनिटल म्यूटिलेशन करते हैं, वो लोग इसे सर्कमसिशन कहते हैं, खतना कहते हैं, खप्स कहते हैं, बहुत सारी प्रकार के शब्द से इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो उनका सेंसिटिव सबसे अंग होता है, वहां पे पहुंच के कहीं कहीं प्रथाओं में तो वहां टाके लगा देते हैं, कहीं पूरा उड़ा देते हैं, जो इंडिया में होता है उसमें उस पे कट लगाते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं जी। इसका इसका प्रभाव महिला के पूरे जीवन पे पड़ जाता है। WHO की आप सिर्फ साइट पे जाके फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन लिखे, एक बार ये महिला के साथ हो गया तो वह पूरे जीवन भर के लिए एक विक्टिम बन जाती है। उसका मानसिक संतुलन भी बदल जाता है इसकी वजह से, क्योंकि उसकी भावनाएं बदल जाती हैं जीवन की तरफ। तो यह भी, ये देखिए, वस्तु को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है कि ये, क्योंकि एक तो पहली बात तो महिलाओं का दर्जा इस तरह का है कि दूसरे नंबर का दर्जा है, कि अकल कम है, तो इसलिए इन्हें कोई भी तरीके से हमें कंट्रोल करके रखना है। वस्तु तो हमारे प्रयोग में आनी चाहिए कि आप, हमारी आबादी बढ़ानी हो, कुछ भी तरह से हमें प्रयोग करना है। रूढ़िवादी मुसलमानों के बीच महिलाओं को तब तक अशुद्ध और शादी के लिए नहीं तैयार माना जाता है जब तक उनका खतना न किया जाए। हालांकि कानूनी तौर खतना करने का दोषी पाए गए डॉक्टरों को 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा खतना करने की मांग करने वालों को भी 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। दुनिया भर के अनेक देश ऐसे हैं जहां आज भी महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा जाता है। वर्षों से कभी धर्म कभी संस्कृति के नाम पर उनका शोषण होता रहा है। ऐसी ही एक प्रथा है महिलाओं का खतना। दुनिया के कई हिस्सों में रोक के बावजूद यह प्रथा बदस्तूर जारी है। वर्ष 2020 में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में करीब 20 करोड़ बच्चियों और महिलाओं के जननांगों को नुकसान पहुंचाया गया है। इन देशों में से 51 में यह कानूनी रूप से वर्जित है, जिनमें से भारत भी एक है। इसके साथ ही यह अमेरिका, सिंगापुर, ईरान और श्रीलंका जैसे देशों में भी प्रचलित है। भारत में यह प्रथा मुख्य रूप से बोहरा समुदाय और केरल के एक सुन्नी मुस्लिम संप्रदाय में प्रचलित है। देश में बोहरा समुदाय के करीब 10 लाख लोग रहते हैं। हालांकि इस समुदाय की कितनी महिलाओं और बच्चियों का खतना हुआ है, इस बारे में कई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, पर 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार इस समुदाय की 7 साल और उससे अधिक आयु की करीब 75% बच्चियों का खतना हो चुका है।